Hello everyone, welcome back to Geeks for Geek School. In this video, we will continue a chapter that is Java for Kids. In this video, we will start our chapter number 8 that is Strings in Java. Before starting this chapter, I would like to recall that Geeks for Geek School had came up with various new courses like machine learning, artificial intelligence, robotics. You can go and visit the, see each and every video courses on our YouTube channel, that is Geeks for Geek School. So let's start this chapter. First of all, we will see ki string kya hote hai Java mein. What is string? Okay. String is a sequence of character in Java. Objects of string are immutable, which means a constant and cannot be changed once created. तो मैं समझाता हूँ, string is a sequence of character. Basically हम लोग string use करते हैं बहुत सारे sequence of character को store करने के लिए. हम लोग character में सिर्फ एक single input use कर सकते हैं, but string में हम पूरा पूरा sentence store कर सकते हैं. Java में strings are immutable. Immutable का मतलब होता है कि constant. मतलब अगर आपने एक बार स्ट्रिंग डिफाइन कर दिया, हम अभी नेक्स्ट स्लाइड में देखते हैं स्ट्रिंग कैसे डिफाइन करते हैं. अगर हमने एक बार स्ट्रिंग को डिफाइन कर दिया तो हम उसको चेंज नहीं कर सकते हैं. हाँ, बट हम लोग उसको कॉपी ज़रूर कर सकते हैं. ठीक है, तो ये याद रखना, स्ट्रिंग कैन नॉट बी चेंज वंस क्रिएटेड, बट इट कैन बी कॉपीड एंड उसको हम नए नाम से स्टोर करते हैं. अब हम देखते हैं कि हम स्ट्रिंग कैसे बनाते हैं. जावा में हमारे पास दो तरह के मेथड होते हैं स्ट्रिंग को बनाने का. पहला है स्ट्रिंग लिटरल्स. इसमें हम लोग स्ट्रिंग स्ट्रिंग कीवर्ड यूज़ करते हैं. टेक्निकली स्ट्रिंग एक क्लास है, बट हम लोग उसको डेटा टाइप की तरह भी यूज़ करते हैं जावा में. ठीक है, ये बात याद रखिएगा. तो हमने स्ट्रिंग लिखा अपने कीवर्ड और हमने एस एक नया नेम दिया है, एंड देन हम लोगों ने अपना इनपुट जो है जीएफजी यहाँ पे स्टोर करा. तो ये हमारा हो गया पहला मेथड. सेकेंड मेथड है यूजिंग न्यू कीवर्ड. आपको याद आ रहा होगा हमने इससे पहले न्यू कहाँ यूज़ करा है, थोड़ा गेस कीजिए. हमने इससे पहले न्यू कीवर्ड यूज़ करा था जब हम इनपुट लेते थे स्कैनर इनपुट में. हम वहाँ पे एक क्लास बनाते थे स्कैनर एस सी इक्वल टू न्यू करके. तो इसी तरह हम यहाँ पे भी ऐसे बना सकते हैं स्ट्रिंग एस, और ये हमने न्यू कीवर्ड यूज़ करा, देन स्ट्रिंग फिर से, और यहाँ पे हम अपना इनपुट स्टोर कर लेंगे. ये हो गया दो मेथड. अब हम लोग अपने आईडीई पर चलते हैं और मैं आपको एग्जीक्यूट करके दिखाता हूँ कि ये कैसे होता है. तो ये हम अपने आईडीई पे आ गए हैं एंड यहाँ पे हमने जावा क्लास खोल लिया है. तो यहाँ पे हम स्ट्रिंग स्ट्रिंग कैसे यूज़ करते हैं जावा में देखते हैं. तो स्टार्ट करते हैं. ये बेसिक कोड हमारा लिखा हुआ है, इनपुट जावा डॉट आई ओ क्लास जी एफ जी पब्लिक स्टैटिक वर्ड. ये मैं आपको समझा चुका हूँ पहले वीडियो में. अब हम लिखते हैं स्ट्रिंग. हमने स्ट्रिंग कीवर्ड यूज़ करा, फिर हम लोग यूज़ करते हैं एक नया नाम देते, जैसे कि लेट्स से एस टी आर इक्वल टू, और मान लीजिए यहाँ मुझे स्टोर करना है Geeks for Geeks. ठीक है, Geeks for Geeks मैंने सेमीकॉलन लगाया. अब मैं इसको प्रिंट करता हूँ, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलाइन. दो बार आ गया. ये दो बार आ रहा है, एक मिनट में हटा देता हूँ. हाँ, सिस्टम डॉट आउट प्रिंटलाइन एंड यहाँ पे हम लोग लिख देते हैं एस टी आर. ठीक है, तो हमने एक क्लास बनाई स्ट्रिंग के नाम से, स्ट्रिंग एस टी आर. एक डेटा टाइप भी हो गया, मैंने बताया आपको स्ट्रिंग एक डेटा टाइप के तरह हम यूज़ करते हैं. स्ट्रिंग एस टी आर हमने नाम दिया है वेरिएबल का, और ये वैल्यू स्टोर करी है, और हमने इस लाइन में सिस्टम डॉट आउट प्रिंटलाइन एस टी आर को प्रिंट कराया है. अब हम इसको रन करते हैं. तो आप देख सकते हैं हमारा आउटपुट आ चुका है गीक्स फॉर गीक्स, जो हमने यहाँ पे स्टोर करा था. ये तो हो गया हमारा टाइप वन. मैं लिख देता हूँ इसमें टाइप वन. अब हम करते हैं बात टाइप टू, जो कि है यूजिंग न्यू कीवर्ड. तो हम देखते हैं स्ट्रिंग, इसमें हम ले लेते हैं जैसे एस,
इक्वल टू, हमने ये न्यू कीवर्ड यूज़ करा, स्ट्रिंग, फिर हमारे ब्रैकेट्स, और हम इसके अंदर वैल्यू देंगे। लेट्स से हम देते हैं गीक्स फॉर गीक्स टू, काउंटर से डाल देते हैं, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एल एन, एंड ब्रैकेट में हम देंगे एस क्योंकि हमारी वेरिएबल का नाम एस है। अब हम इसको प्रिंट करते हैं, तो जब हम इसको प्रिंट करेंगे, रन करा फिर आउटपुट देखते हैं, तो आप देख सकते हैं कि दोनों आउटपुट आ चुका है, गीक्स फॉर गीक्स और गीक्स फॉर गीक्स टू। तो आई होप समझ गए होंगे कि टाइप वन में हम सिंपली स्ट्रिंग एक वेरिएबल का नाम देके वैल्यू स्टोर कर सकते हैं, एंड सेकेंड मेथड में हम लोग न्यू कीवर्ड का यूज़ कर सकते हैं। आगे हम देखते हैं कि हम लोग, मैं लिख देता हूँ, हम लोग इनपुट कैसे लेंगे स्ट्रिंग में। मैं इसको फुल स्क्रीन कर देता हूँ, 1 मिनट। टेकिंग स्ट्रिंग इनपुट, ठीक है, अब हम ये देखेंगे। तो आपको याद होगा कि हमने लास्ट क्लास में स्कैनर क्लास का यूज़ करा था, तो हम वही चीज़ करेंगे, स्कैनर क्लास। तो हम स्कैनर क्लास इंपोर्ट करेंगे एंड फिर उसको यूज़ करेंगे। तो देखते हैं, सबसे पहले यहाँ पर लिख देते हैं इंपोर्ट जावा डॉट यूटिल डॉट स्कैनर, ठीक है। फिर हम यहाँ पे लिखते हैं स्कैनर एस सी इज इक्वल टू न्यू स्कैनर, एंड फिर ये हो जाएगा हमारा सिस्टम डॉट इन, ठीक है। अब हम नेक्स्ट लेते हैं स्ट्रिंग, क्योंकि हमें स्ट्रिंग इनपुट लेना है, तो हमने स्ट्रिंग लिया और वेरिएबल का नाम लिख देते हैं एस टी इज इक्वल टू एस सी डॉट, एस सी डॉट नेक्स्ट लाइन। तो मैं एक और चीज़ समझा दूँ आपको, हमने लास्ट सेकेंड लास्ट वीडियो में देखा था कि नेक्स्ट लाइन हम क्यों यूज़ करते हैं। अगर हम खाली एस सी डॉट नेक्स्ट यूज़ करेंगे तो वो सिर्फ एक वर्ड का लेगा इनपुट में। जैसे हम लिखते हैं हेलो हाउ आर यू, तो अगर हम खाली एस सी डॉट नेक्स्ट लिखते हैं तो ये खाली एक पहला वर्ड लेगा, और जैसे ही एक ब्रेक आएगा ये रुक जाएगा। जब हम एस सी डॉट नेक्स्ट लाइन लेते हैं तो ये पूरा स्टेटमेंट हमारा रीड करेगा एंड देन उसको स्टोर करेगा, ठीक है। फिर हम लोग कर देते हैं प्रिंट सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलाइन, और हम यहाँ पे एसटी को प्रिंट कर देंगे, ठीक है। अब हम इसको रन करके देखते हैं एक बार, एक बार रन करने से पहले हम चेक कर लेते हैं हमने सब कुछ सही लिखा है। स्ट्रिंग एस टी आर, हाँ, स्कैनर का एस कैपिटल, एस सी न्यू एस, हाँ ठीक है, याद रखना इसका एस कैपिटल रहेगा हमेशा स्कैनर में। अच्छा एक सेकेंड, हम इसको भी कैपिटल एस लिखेंगे, हाँ अब ये ठीक है। अब हम रन करते हैं इसको, तो आप यहाँ पे देख रहे होंगे इनपुट गोज हेयर, जैसे कि हमने लिखा है यहाँ पे स्ट्रिंग एस सी डॉट नेक्स्ट लाइन, मतलब हमें अपना इनपुट देना है, तो हम यहीं पर लिख देते हैं अपना इनपुट हेलो कौन हाउ आर यू। अब हम इसको रन करते हैं, तो हाँ जैसे कि आप आउटपुट देख सकते हैं ये हमारे पहले दो आउटपुट थे एंड ये थर्ड है हेलो हाउ आर यू।
हमने यहाँ अपना इनपुट दिया, ये इनपुट हमारे एसटी में सेव हुआ एंड हमने यहाँ एसटी को प्रिंट कर लिया। तो इस तरह से स्ट्रिंग काम करता है। मैं आपको वो एक जो मैं बोल रहा था कि हम अगर खाली नेक्स्ट लिखते हैं, एसटी डॉट नेक्स्ट अगर हम लिखेंगे, तो आप डिफरेंस देख लीजिए क्या होगा। हमारा इनपुट है हेलो हाउ आर यू, हमने रन करा है, तो आप देख सकते हैं ये सिर्फ हेलो एंड कॉमा, क्योंकि इसके बाद इसको वाइट स्पेस मिल गया। तो इसलिए हम लोग जब भी स्ट्रिंग यूज़ करते हैं, हम लोग नेक्स्ट लाइन का यूज़ करते हैं ताकि वो पूरा सेंटेंस को स्टोर कर पाए। आई होप डिफरेंस समझ गए होंगे एस सी और डॉट नेक्स्ट और एस सी डॉट नेक्स्ट लाइन में। अब हम आगे चलते हैं। एक और चीज़ है जो हम इस वीडियो में देखेंगे, हम लोग इस वीडियो में देखेंगे एक और पार्ट जो है फॉर्मेट स्पेसिफायर। लिख देता हूँ यहाँ पे, हम देखेंगे फॉर्मेट स्पेसिफायर। तो जैसे कि हम परसेंट डी यूज़ करते हैं इंटीजर डेटा टाइप के लिए, ठीक है। परसेंट एफ यूज़ करते हैं हम फ्लोट डेटा टाइप के लिए। परसेंट सी हम यूज़ करते हैं कैरेक्टर डेटा टाइप के लिए। एंड परसेंट एस हम यूज़ करते हैं स्ट्रिंग डेटा टाइप के लिए, डेटा टाइप, ठीक है। मैं अभी आपको यूज़ करके दिखाता हूँ ये कैसे यूज़ करते हैं। ये भी एक बहुत इम्पोर्टेंट फंक्शन है इसके लिए, जावा के लिए। तो जैसे कि आप मान लीजिए हम लिख रहे हैं यहाँ पे इंट ए हमने ले लिया लेट्स से 15, और हमने ले लिया एक फ्लोट जिसकी वैल्यू बी है लेट्स से 5.7890, ठीक है। एफ अब मैं यहाँ लिख रहा हूँ सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन, और मैंने यहाँ पे इन्वर्टर को मैंने ले लिया द वैल्यू ऑफ ए इज, हम यहाँ पे यूज़ करेंगे परसेंट डी कॉमा एंड द वैल्यू ऑफ बी इज, हम यहाँ यूज़ करेंगे परसेंट एफ, फिर हम कॉमा देंगे और यहाँ पे हम लिखेंगे ए कॉमा बी, ठीक है। अब हम इसको रन करेंगे, पहले हम रन करते हैं फिर देखते हैं कि इसका आउटपुट क्या आता है, फिर मैं आपको समझाता हूँ। तो जैसे आप देख सकते हैं कि इसमें एक एरर आ रहा है, ये एरर क्यों आ रहा है मैं अब आपको डिटेल में समझाता हूँ। लेते हैं हम, ठीक है। तो बेसिकली जो एरर आ रहा था ये हमारा आ रहा था प्रिंट एलन की वजह से। हम लोगों ने प्रिंट एलन और प्रिंट को यूज़ तो करा हुआ है, एलएन हम यूज़ करते हैं ताकि एक लाइन स्पेस मिले हम एक्स्ट्रा प्रिंट करने के बाद, और अगर हम प्रिंट खाली प्रिंट यूज़ करते हैं तो हमें स्पेस नहीं मिलता प्रिंट करने के बाद। तो ये जो दोनों हमारे हैं ये दोनों सिंगल आर्गूमेंट्स के लिए काम करते हैं सिंगल। और जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे हम लोग ए और बी दो आर्गूमेंट्स मतलब मल्टीपल आर्गूमेंट्स ले रहे हैं, और ये फॉर्मेट स्पेसिफायर भी है। तो इन इन जैसे केसों के लिए हम लोग यूज़ करते हैं प्रिंट एफ, ठीक है। प्रिंट एफ, ये अगर आप सी प्रोग्रामिंग या सी प्लस प्लस जानते हैं तो आपको थोड़ा ईजी होगा जानने में, बट हम लोग ये जावा में भी यूज़ करते हैं, ये भी इम्पॉर्टेंट है। अगर हम लोग मल्टीपल आर्गूमेंट्स के यूज़ करना है कुछ तो हम प्रिंट एफ यूज़ करते हैं। हम इसको चेंज करते हैं एंड अब रन करते हैं। प्रिंट एफ करा एंड इसको हम रन करते हैं। तो हाँ अब आप देख सकते हैं हमारा आंसर आ गया द वैल्यू ऑफ ए इज 15 एंड द वैल्यू ऑफ बी इज जो भी है 5.7890, हमने यहाँ जो दे रखी है ए। तो जैसे मैंने बताया परसेंट डी हम इंटीजर के लिए यूज़ करते हैं, बी हम फ्लोट के लिए, एफ हम फ्लोट के लिए यूज़ करते हैं, ठीक
ठीक है। एंड अगर आप चाहे तो स्ट्रिंग्स इन जावा के ऊपर हमारा आर्टिकल भी हमने पब्लिश कर रखा है, आप हमारी साइट पर जाके देख सकते हैं, पूरा आर्टिकल डिटेल में लिखा है। एंड उसके अलावा डिफरेंट टाइप ऑफ जो हम यूज़ करते हैं, जैसे हम कह सकते हैं प्रिंट, प्रिंट एल एन और प्रिंट एफ, तो हम फॉर्मेटेड आउटपुट इन जावा बोलते हैं उसको, हमने उसके बारे में पूरा आर्टिकल लिख रखा है, आप वो भी पढ़ सकते हैं। सो आई होप यू लाइक दिस वीडियो, स्टे ट्यून्ड फॉर द नेक्स्ट पार्ट, थैंक यू।